हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 14। और ये बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है, इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। ये वर्कशीट है डिस्क्राइबिंग पीपल के ऊपर। तो अगर हमें किसी इंसान का डिस्क्रिप्शन देना है कि वो कैसा दिखता है, उनके बारे में बताना है किसी और को, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये इस वर्कशीट में बताएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट वीक हमने डायरी राइटिंग कंक्लूड की थी। आपको चार वर्कशीट्स दी गई थी डायरी राइटिंग पर। तो अब इस वीक ऑनवर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे कि लोगों को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब पीपल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच या कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जो यूज होते हैं किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। तो नाउन्स होते हैं नेम्स ऑफ प्लेसेस, एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। तो वो तो नाउन हो गए, लेकिन वो नाउन दिखते कैसे हैं, वो नाउन होते कैसे हैं, वो नाउन फील क्या करते हैं। तो अगर किसी भी तरह का उनका अगर आपको डिस्क्रिप्शन करना है नाउन्स का, तो आप एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। तो वी यूजली डिस्क्राइब पीपल इन थ्री वेज। हम यूजली तीन तरीके से लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। पहला, हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस इसलिए क्योंकि किसी भी इंसान को आप सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस नोटिस करते हैं कि वो फिजिकली कैसे दिखते हैं, उनके नाक नक्श कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी कद काठी कैसी है, हाउ डू दे लुक, हाउ टॉल दे आर, उनके बाल कैसे हैं, उनका कलर कैसे है। तो ये सब हम सबसे पहले नोटिस करते हैं। सेकेंड चीज, सेकेंड तरीका जो है जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं लोगों को, वो है लोगों की पर्सनैलिटी। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे आपको फील करा रहे हैं, वो लंबे हैं या वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उनका नेचर कैसा है, या वो हमेशा खुश दिखने वाले हैं, खुश मिजाज हैं, या हमेशा बहुत ही टेंस्ड रहने वाले, बहुत ही स्ट्रेस्ड रहने वाले। तो वो हम यहाँ पर, अगर हम उस बारे में जानते हैं, तो हम वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है डिस्क्रिप्शन का, वो है फीलिंग्स एंड इमोशंस। अगर हम देख पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या इमोशन दिखा रहे हैं, तो हम वो भी उनके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, वेदर दे आर सैड, वेदर दे आर हैप्पी, वेदर दे आर एक्साइटेड। तो हम ये सारी चीजें भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मीना इन द पिक्चर गिवन बिलो, द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइन। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है। तो एक्चुअली एक ये बहुत पुराना कार्टून है, जब हम बच्चे थे हम भी इस कार्टून को देखा करते थे। ये इतना पुराना कार्टून है, मीना और पप्पू। तो ये मीना है और इस मीना का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इसके, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको अंडरलाइन किया गया है। तो जल्दी से ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मीना इज द गर्ल इन फ्रंट, ये जो सामने लड़की है वो मीना है। शी इज वेयरिंग पिंक कलर टॉप एंड रेड कलर्ड स्कर्ट। तो उसने पिंक कलर टॉप पहना है, रेड कलर की स्कर्ट पहनी है। शी हैज हर आर्म्स वाइड ओपन, शी हैज बिग ब्लैक एंड राउंड आईज, शी हैज ब्लैक हेयर, शी इज स्माइलिंग एंड सीम्स टू बी इंजॉइंग विद हर फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं, गर्ल इन फ्रंट, पिंक कलर, रेड कलर स्कर्ट, बिग ब्लैक राउंड आईज, ब्लैक हेयर, स्माइलिंग, इंजॉइंग, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो वो कहाँ है ये डिस्क्राइब कर रहा है, इन फ्रंट। उसने कौन से कलर का टॉप पहना है, कौन से कलर की स्कर्ट पहनी है, वो पिंक और रेड डिनोट कर रहा है। उसकी आईज कैसी दिखती है, आईज उसकी बिग ब्लैक और राउंड है, वो डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाल किस रंग के हैं, वो ब्लैक, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वो कैसी, कैसा इमोशन है, तो वो हंस रही है, शी इज स्माइलिंग एंड शी इज ऑल्सो इंजॉइंग। वो क्या महसूस कर रही है, शी इज इंजॉइंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीना का फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी बताई हुई है उसकी फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू। तो बस इसी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल देखते हुए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब किसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, यही जो पिक्चर है इसमें मीना के कुछ फ्रेंड्स भी दिखाए गए हैं। जैसे ये एक फ्रेंड है जिसने येलो टी शर्ट पहनी है और ब्राउन शॉर्ट्स हैं जिसकी, ये एक फ्रेंड है जिसकी ब्लू शर्ट है और डार्क ब्लू शॉर्ट्स हैं, और पीछे एक और फ्रेंड है ये उसके, या आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आप मीना के पैरेट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर, क्योंकि ये वर्कशीट डिस्क्राइबिंग पीपल के ऊपर है, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं,
उनको यूज करते हुए आप मीना के जो दो ये तीन दोस्त दिखाए गए हैं इन तीनों में से किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने भी इन तीन में से एक दोस्त का डिस्क्रिप्शन लिखा है। इनमें से यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमने कुछ उनको भी यूज किया है और साथ ही साथ हमने कुछ अपने वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और देखिए, पता लगाइए कि क्या आप ये पता कर पा रहे हैं कि हमने कौन से फ्रेंड को डिस्क्राइब किया है, और आप इस सैंपल को देखते हुए आप अपना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है मीना की एक फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन। देखिए कि आप इस फ्रेंड को पहचान पाते हैं कि नहीं, और इस वर्कशीट के बाद फिर हम आगे चलते हैं आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर। तो आइए अब आपकी सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत की वर्कशीट देख लेते हैं। यह है वर्कशीट नंबर 14, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। तो इसके मेन पॉइंट्स है वर्कशीट में, एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया के नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, वेस्ट इस डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो आती है नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में कौन से देश है, वो है यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, चाइना और तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो इंडिया के नॉर्थ में, अगेन नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। तो ये मैप अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन यहाँ पर डिनोट होता है, ये ऊपर जो पॉइंट कर रहा है वो आपको नॉर्थ दिखाता है। तो नॉर्थ अगर इस डायरेक्शन में है तो इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से देश है, चाइना और तिब्बत ये यहाँ पर है नॉर्थ में, नेपाल नॉर्थ में है, और इधर ये भूटान है वो भी नॉर्थ में है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट होती है। तो ईस्ट में यहाँ बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है। इन द साउथ अक्रॉस द सी वी हैव टू आइलैंड नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये तो था नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में। अब साउथ में क्या सिचुएशन है इंडिया के, तो इंडिया के अगर साउथ में देखें तो उसके दो द्वीपीय पड़ोसी हैं, उसके दो पड़ोसी देश हैं जो है, जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं। पहला है श्रीलंका यहाँ पर और दूसरा है मालदीव्स यहाँ पर। तो ये इंडिया के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। बे ऑफ मन्नार एंड अ नैरो सी पाथ पाक स्ट्रेट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ कहीं पर बे ऑफ मन्नार है और एक नैरो सी पाथ है, एक बहुत ही पतला सा, एक संकरी सी जलराशि है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। मालदीव्स इज प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पर इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है और इसके साउथ में, इसके नीचे अगर देखें तो ये मालदीव्स यहाँ पर है। स्ट्रेट इज अ नैरो पीस ऑफ सी विच कनेक्ट्स टू लार्जर सीज। तो जल संधि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी सी जल राशि होती है। तो दो बड़े बड़े पीस ऑफ सी जो है उनको जो कनेक्ट करता है, बहुत पतली सी नैरो पीस ऑफ सी जो होता है वो, उसे स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। बे इज अ पार्ट ऑफ सी वॉटर विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स, एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, गल्फ और बे ऑफ कच्छ एटसेट्रा। तो ऐसी जलराशि जो तीन दिशाओं में भूमि से घिरी हुई हो, तो ऐसा पार्ट जो है, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे बे या खाड़ी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये तीन तरह से, ये नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी भूमि से, लैंड एरिया से कवर्ड है, तो इसलिए ये बे कहलाती है या खाड़ी कहलाती है, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। सिमिलरली इधर गुजरात का ये जो कोना है यहाँ पर है आपकी बे ऑफ कच्छ, या उसको गल्फ
कच्छ की खाड़ी भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये भी तीन तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ है। साथ ही साथ ये वाला, अगर आप ये एरिया नोटिस करें तो, ये वर्कशीट में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे ये क्वेश्चन में काम आएगा, ये वाला जो एरिया है ये भी जो है ये तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे या बे ऑफ कम्भट, गल्फ ऑफ कम्भट। तो ये वाला जो है ये भी गुजरात और मुंबई, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, और काठियावाड़ जो पेनिनसुला रीजन है, ये तीन तरफ से वहां से उससे लैंड एरिया से घिरा हुआ है। तो आगे चल के क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। तो आपके ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत मैप से, मैप पर ही बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से अगर मैप को देखेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोज नेबरिंग कंट्रीज विच आर लैंड लॉक्ड। तो आप अगर मैप को देखते हैं तो आपको वो नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखने हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है वो एरियाज जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हों, वो एरियाज जिनके चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी ना हो बल्कि लैंड एरिया ही हो। तो अगर मैप मानचित्र को आप ध्यान से देखें तो भारत के कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं या स्थल क्षेत्र से घिरे हैं? अगर मैप को यहाँ ध्यान से देखें तो अफगानिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ये दूसरी कंट्री है, फिर ये तजिकिस्तान है। तो पहला आपका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर दूसरा आपका आंसर यहाँ आएगा तजिकिस्तान, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर अगर इस तरफ आप देखें नेपाल, नेपाल भी लैंड लॉक्ड कंट्री है क्योंकि एक तरफ है चाइना, एक तरफ है इंडिया। और इसी तरह है भूटान, ये भी लैंड लॉक कंट्री है क्योंकि एक तरफ है चाइना और एक तरफ है इंडिया। और भी कंट्रीज हैं लेकिन आपको ये मैप में जो कंट्रीज हैं बस वही लिखने को कहा गया है, तो हम ये बस चार कंट्रीज यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच आर द टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड। भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, ये आपकी वर्कशीट में दिया गया है ये आंसर भी। तो ये इन द साउथ अक्रॉस द सी वी हैव टू आइलैंड नेबर, श्रीलंका एंड मालदीव्स, यही इसका आंसर है। द्वीपार दो पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। तो ये आपका क्वेश्चन टू का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो मानचित्र की सहायता से इस मैप को देखते हुए आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं, उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं जहां से कर्क वृत्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो मैप पे अगर ये आप ध्यान से देखें, ये जो दर्शाई गई है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा। तो इसको अगेन आप अपनी वर्कशीट को अगर जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे वो सारे स्टेट्स जिनमें से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो स्टेट्स हैं गुजरात, और ये थोड़ी सी यहाँ से गुजरती है राजस्थान से, फिर ये गुजर रही है मध्य प्रदेश से, थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ये यहाँ से भी गुजर रही है, उसके बाद और आगे चलते हैं तो ये राज्य आ जाता है झारखंड, ये वहां से भी गुजर रही है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं ये आ गया वेस्ट बंगाल, वहां से भी गुजर रही है, और ये यहाँ दो और राज्य हैं हमारे, एक है त्रिपुरा और ये एक है मिजोरम, यहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजर रही है। आपको अगर यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो हम एंड में आपको सैंपल आंसर जरूर दिखाएंगे, तो आप वहां से ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये जरूर सुनिए इन आंसर्स का डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन फोर, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। अब पूर्वी तट क्या है, ईस्टर्न कोस्ट क्या है? तो ये जो एरिया है ये ईस्ट में है, जैसा मैंने आपको बताया ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की डायरेक्शन है। तो भारत की जो ये पूरा जो तट है, समुद्री तट, ये जो पूरी लाइन है ये भारत का ईस्टर्न कोस्ट है,
और वहीं ये जो एरिया है ये वेस्ट है, तो ये वाली जो पूरी लाइन है ये भारत का वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट। तो हम जो जो यहाँ पर स्टेट है, अगर अगेन आप अगर मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको ये इजीली आंसर मिल जाएगा। तो जो स्टेट्स हैं जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे हैं वो है, पहला वेस्ट बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश और ये लास्ट है तमिलनाडु। ये चार स्टेट्स जो है भारत के ईस्टर्न कोस्ट उसके पूर्वी तट पर स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट यू कुड आइडेंटिफाई द बे, राइट डाउन द नेम ऑफ दीज बेज। तो भारत के पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट, अभी आपने आपको मैंने बताया कि वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, वो इस साइड भारत का वेस्ट साइड पर जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्ट लाइन है, पश्चिमी तट पर आपको किस राज्य में खाड़ी नजर आती है। तो अगेन जो यहाँ पर डिस्कस हुआ था गल्फ ऑफ कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ जो कच्छ की खाड़ी है वो कहाँ है, वो इधर है, गुजरात के पास में है, वो गुजरात के आसपास है कच्छ की खाड़ी। तो यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट हैज गल्फ बे ऑफ कच्छ। तो कौन से स्टेट में नजर आती है, गुजरात में आपको नजर आती है। साथ ही साथ आपको उन खाड़ियों के नाम का पता करना है जो गुजरात के आसपास और जो खाड़ियां हैं। तो पहला तो आप डेफिनेटली लिखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ लिखेंगे, दूसरा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ बताया था गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ कम्भट भी बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ पर है। तो ये जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में और काठियावाड़ पेनिनसुला से भी ये शेयर होती है ये गल्फ, तो ये भी आप इस आंसर में लिखेंगे। अब हम आपको सैम्पल आंसर्स दिखा देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इमीडिएटली पता चल जाए जब हम वर्कशीट अपलोड करते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।